23 नवंबर को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर लहरियासराय टावर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश सहनी के नेतृत्व में विजय उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर सरकार गठन को लेकर बधाई दी एवं लड्डू बांटी गई। इस अवसर पर जिला हरीश सहनी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी को शपथ लेने पर बधाई दी एवं कहा कि यह प्रजातंत्र की जीत है। महाराष्ट्र में श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में विकास में तीव्रता आएगी। उन्होंने कहा कि मैं सरकार गठन पर महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूं और साथ ही देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई देता हूं। यह परिपक्व लोकतंत्र का परिणाम हमको देखने को मिला है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की हालत तो यह हो गई है कि न इधर के रहे न उधर के रहे। वहीं इस विजय उत्सव कार्यक्रम में जिला महामंत्री आदित्य नारायण चौधरी मुन्ना, जिला उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक, जिला मंत्री राजेश रंजन, जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष सचिन जैन, जिला सदस्यता प्रभारी विवेकानंदन पासवान, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता, ज्योति कृष्णा झा, संजीव गुप्ता, संतोष पोद्दार, श्रवण महतो, रुद्रेश रुद्रम, मनोज कुमार झा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने भाजपा जिला अध्यक्ष हरी सहनी से बात करके विस्तृत जानकारी ली। चुनाव परिणाम आया, इससे स्पष्ट हो चुका था कि महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करती है और जनादेश देने का काम किया। वहां मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को देखना चाहता है, लेकिन विपक्ष का मंशा देखकर पूरा देश मर रहा था। और आज जो परिणाम सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो आज शपथ ग्रहण लिया है, इसे पूरे देश में खुशी है। यह खुशी महाराष्ट्र के जनता को देखकर पूरा देश खुश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दरभंगा इकाई के द्वारा भी आज यहाँ खुशी मनाया जा रहा है। भारत